खैलांजी थाना के अंतर्गत ग्राम भोरगढ़ में दीपोत्सव त्योहार की खुशियां एक परिवार में उस समय गम के माहौल में परिवर्तित हो गई जब दीपावली में लगे दिए से आग लगने से एक युवती जिंदा जल गई और तीन लोग झुलस गए। आगजनी की घटना रविवार देर शाम की है। पुलिस ने सूचना मिलने पर शव बरामद कर लिया है। सोमवार को शव का पंचनामा कार्रवाई के पश्चात शव पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम भोरगढ़ में मेन रोड किनारे शिक्षक विजय साठवने के यहाँ पर साठवने स्टेशनरी एंड जनरल स्टोर्स की दुकान है। रविवार को लक्ष्मी पूजन होने के चलते विजय साठवने की भांजी प्रांजल पिता तुलाराम वाघमारे 20 वर्ष किशोर साठवने प्रतीक साठवने और विजय साठवने सहित परिवार के सदस्यों के द्वारा पूजन अर्चना के बाद दीपक जलाकर दुकान में जगह जगह वे दीपक रखे हुए थे। इस दौरान सबसे पहले दीपक से पर्दे में आग लग गई और ये आग दुकान में रखे हुए पेट्रोल की बोतलों में लगने से भयानक उसने अपना रूप ले लिया। तभी पास में रखे फ्रिज में आग लगने से विस्फोट हो गया। इसके नीचे की आग ऊपर वाले भी कमरे में लग गई। वहां पर प्रांजल वाघमारे विजय साठवने किशोर साठवने और प्रतीक साठवने भी मौजूद थे। आग लगने पर तीनों बाहर आ गए जिनके हाथ पैर झुलस गए हैं लेकिन प्रांजल वाघमारे वहां से नहीं निकल पाई जिसके किचन वाले कमरे में ही मौके पर जलने से मौत हो गई। 1200 से दो दमकल वाहन भी बुलाए गए थे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बट उमेश दिएवार।